क्या आपका सेजिटेट 2022 नहीं निकले? आगे क्या करना चाहिए? क्या आप शिक्षक भर्ती से चूक रहे हैं? ये सारी जानकारी मैं वीडियो के अंत तक दूंगा, आप बने रहिए और समझिए, क्योंकि बहुत लोगों का कॉल आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो सभी को अलग अलग जवाब देना पाना मुमकिन नहीं होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं 5 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि जो 2022 में 12489 पद जो निकलने वाला है उसमें आप सबको भागीदारी बनना है, तो आपको ऐसे करना है ताकि आप उसमें भाग ले सको। तो कई लोगों का सेजिटेट में 70, 72, 73 इस टाइप का उसका नंबर आ रहे हैं, अभी फाइनल एंसर नहीं आया है। अब फाइनल एंसर में हो सकता है किसी का घट जाए, किसी का बढ़ जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि आप सभी को अपने भविष्य की चिंता है और भविष्य में सबसे गोल्डन चांस अभी सभी को मिल रहा है कि शिक्षक भर्ती के इतना सारे पद निकल रहे हैं, सहायक शिक्षक और शिक्षक का, जिसमें सीजीटेट या सीटेट दोनों का होना या दोनों में से एक का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य रखता है, क्योंकि जो टीटी निकलेगा वही इसमें क्वालिफाई होंगे और वही जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सीजीटेट 2022 नहीं निकले। तो 2022 सीजीटेट कई लोगों का नहीं निकल रहे हैं तो बहुत लोग चिंता में है, चिंता की बात ही है, क्योंकि सबको अपने भविष्य की चिंता होती है। तो आगे हमको क्या करना चाहिए? कई लोग पूछते हैं सर हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा 2 नंबर 3 नंबर से चूक रहे हैं, तो हम किसकी तैयारी करें, फाइनल आंसर के देखें कि क्या करें। तो आपको बताना चाहूँगा, तो सबसे पहले हम फाइनल आंसर का इंतज़ार कर सकते हैं, जिसका 70 70+ आ रहा है, फाइनल आंसर का इंतज़ार कर सकते हैं, हो सकता है आपका बढ़ जाए। लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, भविष्य में एक एक ऐलान हो चुका है कि सीटेट जो है 2023 में या 22 में, 2022 में इसका क्या आने वाला है, पोस्ट आने वाला है, सॉरी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है कि सीटेट जो है दिसंबर 2022 में होने वाला है, ठीक है, जिसका रिजल्ट कब आएगा, 2023 में आ जाएगा, मतलब जनवरी तक आ जाएगा, लेकिन उसको क्या माना जाएगा, 2022 ही माना जाएगा। तो इसमें हमको करना क्या है, कई लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या सीटेट हमको शिक्षक भर्ती में मान्यता देंगे या नहीं देंगे? तो इसके दो हाँ भी है और नहीं भी है, और ज़्यादातर मैं बोलूँगा 90% चांस है कि हाँ। अब कैसे, समझिए, अभी शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है, मान लो जाए इसी महीने में 17 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, उसमें यदि नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है तो हो सकता है 20 तारीख तक के नोटिफिकेशन, दिवाली से पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप सभी को पता है नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद या कुछ दिन बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म डालने के लिए बोला जाता है, लगभग 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है या कभी कभी 20 दिन का भी समय दे दिया जाता है। तो यदि अभी वो फॉर्म निकलता है, 20 तारीख को निकलता है, तो लगभग समझिए 5 नवंबर या 10 नवंबर तक के फॉर्म डालते डालते समय निकल जाएगा, 10 नवंबर तक का। अब उसके बाद जो है हो सकता है वो आपको 40 दिन का समय दे या 50 दिन का समय दे, हो सकता है कि वो 50 दिन का समय दे, तो वो दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हो सकता है शिक्षक और सहायक शिक्षक का, ठीक है, और उसी समय जो है सीटेट का भी एग्ज़ाम होगा। तो दोनों का तैयारी आपका साथ साथ हो जाएगा, सीटेट का भी हो जाएगा, शिक्षक और सहायक शिक्षक का भी हो जाएगा। अब इसको समझिए, शिक्षक और सहायक शिक्षक जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा सा लेट आता है, लगभग 1 महीने से 1.5 महीने के अंतराल में आता है, 1 से 1.5 महीने लग ही जाता है इसका फाइनल आंसर आने तक। लेकिन सीटेट का जो रिजल्ट होता है वो 15 से 20 दिन के अंदर आ जाता है, 15 से 20 दिन के अंदर इसका रिजल्ट जारी कर देता है। तो रिजल्ट किसका पहले आया, सीटेट का रिजल्ट पहले आया। फाइनल आंसर जैसे आता है, आपके पास सर्टिफिकेट निकलना शुरू हो जाता है, तो उस डेट को देखिए जो फाइनल आंसर आया, हो सकता है फाइनल आंसर जनवरी के 10 तारीख को आ जाए, है ना, और मैंने बोला कि नवंबर में एग्ज़ाम होता है, तो लगभग 15 जनवरी के आसपास इसका रिजल्ट आ जाए शिक्षक और सहायक शिक्षक का। तो किसका रिजल्ट पहले आया, सीटेट का रिजल्ट पहले आया। तो जैसे ही रिजल्ट आता है आपका और इसका बाद में आता है, तो समझिए ये जो है आपका मान्यता देंगे इसको, मतलब आप शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए क्वालिफाई हो गए। क्यों,
नियम में कहा जाता है कि व्यापम के रिजल्ट आने से पहले समस्त प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ये नियम कहता है। यदि ये 15 तारीख के आता है और आपका 14 तारीख को भी आता है तो भी चलेगा, लेकिन 15 के बाद आता है या 15 तारीख को ही आता है तो थोड़ा सा उसमें मना किया जा सकता है, या समय को देख सकते हैं, समय कौन पहले निकल रहा है, सुबह निकल रहा है कि शाम निकल रहा है, तो इस प्रकार से इसका भी है। लेकिन 10% मैं ये भी कह सकता हूँ कि रिजल्ट यदि व्यापम के रिजल्ट के बाद आता है तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं हो सकते, आपको अपात्र कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको सीटेट का और शिक्षक और सहायक शिक्षक का तीनों का तैयारी जोर शोर से करना चाहिए, हिम्मत ना हारिए, क्योंकि जो कर्म करेगा अब कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत रखिए। जो दृढ़ विश्वास से ये मेहनत करेगा, आत्मविश्वास से काम करेगा, बिना झुके बिना डरे यदि वो करता है तो मंजिल उसको जरूर मिलता है ना। आप एक शिक्षार्थी के साथ साथ विद्यार्थी भी हो, आपको समझते आप टीचर बनने वाले हो कि आपको खुद को मनोबल बढ़ाना है और मोटिवेट होना है। जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक कि आप दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकते। जैसा आपका हाल था वैसा मेरा भी था, मैंने अपना आदर्श जिसे हम मानते थे उसके साथ हम बात करते रहे, मोटिवेट हमको करते रहे, मुझ पे चार्ज होता रहा और आज मैं उसी के बदौलत जिसके माध्यम से मुझे चार्ज मिलता रहा आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। तो मैं भी आपको कहना चाहूँगा निराश ना होए, क्योंकि सबसे ज़्यादा घाटा कब होता है, जब आप निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तब जाके नेगेटिव पॉइंट आपका कम होता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है, मतलब आप पीछे हट रहे। आप पीछे हटोगे तो आपका मनोबल टूटेगा, अब मनोबल टूटेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको मनोबल दुगुनी कर देना चाहिए आपके मनोबल को, और अभी जो TET निकले उससे ज़्यादा नंबर ला के आप टॉप में आइए। आप ऐसा मेहनत करिए कि आप सहायक शिक्षक और शिक्षक में सबसे आगे हो जाए, आपके पास गोल्डन चांस है, आपको ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहिए। आप ऐसा मेहनत करिए कि आप इनसे भी ज़्यादा नंबर लेके आए। कई लोग बोलते हैं नहीं कि कोई दोस्त रहते हैं उसका निकल गया मेरा नहीं निकला, तो आप अपने दोस्त से ज़्यादा मेहनत करिए, आप उससे एक पॉइंट आगे लेके आएंगे तो आप उनके पहले रैंक में रहेंगे उससे। आप ऐसा मेहनत करिए, पीछे मत हटिए, क्योंकि कई लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है, भगवान आपको चांस दे रहे हैं, तो इसका आपको भरपूर मौका और फायदा उठाना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। यदि अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको बताना चाहूँगा मैं लाइव वीडियो ले रहा था, लेकिन अब भी स्कूल में इतना ज़्यादा काम हो गया है कि थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पढ़ाने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी दे दिया जाए। ज़रूर पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, आपके लिए भी हम खुद के लिए मेहनत करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ दूसरों को भी बताएं, लाइक करें सब्सक्राइब करें, बिल्कुल भी मनोबल ना तोड़े, मनोबल को अपना बढ़ा